दोस्तों ओनली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है और डेली एक निश्चित समय पर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। आज का टारगेट रखा गया है 600 लाइक्स का। अगर आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो पर लाइक करना होगा। टोटल 600 लाइक्स होने पर ही इस पूरे सेशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज हमको कवर करनी है। 28 अगस्त 2018 को किस सरकारी योजना ने अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं, पहला क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसने अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना को पूरे विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव और फाइनेंशियल इंक्लूजन संबंधित स्कीम बताई गई है। इसकी लॉन्च डेट है 28 अगस्त 2014। इसने अपने 4 वर्ष 28 अगस्त 2018 को कंप्लीट कर लिए। कुछ डेटा हमको यहाँ पर बताया गया है, 22 अगस्त 2018 तक जनधन योजना के तहत 32 करोड़ 48 लाख यहाँ पर अकाउंट्स खोले गए, जिनमें से 17 करोड़ से अधिक खाते वुमेन्स के नाम पर थे और यहाँ पर 24.5 करोड़ यहाँ पर डेबिट कार्ड इशू किए गए और जिसका पार्टनर था रुपे हमारा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। पूरे विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम बनी प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कि कितने अकाउंट इसके तहत खोले गए, या फिर इसकी लॉन्च डेट एक बार दोबारा पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। कौन सी कंपनी नीति आयोग के मोबिलिटी हैक की डीप लर्निंग पार्टनर बनी है? आप जान रहे हैं कि एक हैकाथॉन होने वाला है नीति आयोग जिसका आयोजन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी कवरेज वाला हैकाथॉन ये है हमारा, और ये कल्मिनेट होने वाला है 7 सितंबर को ग्लोबल मोबिलिटी डे के दिन। और यहाँ पर एनवीडिया यहाँ पर कंपनी है, ये पार्टनर बनी है डीप लर्निंग की मूव हैक में। तो ध्यान रखें इसके बारे में। और मूव हैक के बारे में हम बता चुके हैं अपने पीआईबी के वीडियोस में भी। इसके 2 फेजेस हैं, जस्ट कोड इट एंड जस्ट डू इट। और इसमें पूरे विश्व भर के एंटरप्रेन्योर्स को आमंत्रित किया गया है जो भारत में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं उसका निदान करने के लिए कुछ सोल्यूशंस बता सकें, चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में चाहे हार्डवेयर के रूप में किसी भी तरह से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस तारीख को हम लोग हर साल अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त को सर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस होता है, हॉकी के जादूगर के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गगनयान के बारे में। सर ने काफ़ी चीज़ें कल इसके बारे में बताई हैं, तो एक क्वेश्चन इससे ले लेते हैं। इसरो द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार गगनयान को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा? इसमें GSLV Mark 3 का यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो पहले यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन सा लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ करेंगे, अब पता चल चुका है कि हम लोग GSLV Mark 3 ही यूज़ करेंगे और लगभग तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जो मेन चीज़ बाकी है वो परीक्षण ही बाकी रह गया कि कौन लोग इसमें जाने वाले हैं। ऑस्ट्रोनॉट्स का परीक्षण, उनका चयन ही बाकी रह गया और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं इसरो के द्वारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी जानकारी दी गई KS Sivan जी के द्वारा, जो इस समय हेड हैं इसरो के, और उन्होंने बताया है कि लगभग सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं वो, और बाकी है एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बेंगलोर के पास देवनहल्ली नाम की जगह पर खोला जाना था, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो रशिया या तो अमेरिका की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाएगा, उनको जीरो ग्रेविटी में रहने के लिए ट्रेन किया जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जिसके बाद पहला हमारा मानव युक्त मिशन जाएगा अंतरिक्ष की तरफ और भारत मानव युक्त मॉड्यूल भेजने वाला 4th देश बन जाएगा पूरे विश्व का। हालांकि इससे पहले और भी हमारे लोग जा चुके हैं भारत के अंतरिक्ष में, चांद पर जा चुके हैं, लेकिन वो गए थे रशिया और अमेरिका की मदद से। पूरी तरह से मानव युक्त मॉड्यूल भारत ने अभी तक नहीं डेवलप किया है। 2022 मार्च तक भारत में ऐसा मॉड्यूल डेवलप हो जाएगा, ऐसी आशा जताते हैं KS Sivan जी। अब बात करते हैं यहाँ पर, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की ओ स्मार्ट अम्ब्रेला स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1623 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए जाएंगे और यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा ओशन संबंधित सारे व्यापारों का। यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का ऑगमेंटेशन होगा, ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाएंगी वेदर फोरकास्ट के लिए, जिससे मछुआरों को फ़ायदा हो सके। 5 लाख मछुआरे कम से कम इससे बेनिफिट होने वाले हैं और वेदर फोरकास्ट को और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, जिससे किसी भी तरह की आपदा का काफ़ी पहले पता चल सके जो कि ओशियन के आसपास आने वाली है, जैसे फ्लड वगैरह, सुनामी, इन सब की जानकारी काफ़ी पहले से मिल सके।
और बहुत सारी इसमें चीज़ें होंगी क्योंकि एक अम्ब्रेला स्कीम है। तो अभी के लिए आप बताइए इसमें कि ओ स्मार्ट में ओ का क्या मतलब है। ओ स्मार्ट जो अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, इसमें ओ का मतलब है ओशियन। नो डाउट ओशियन संबंधित सारी स्कीम्स इसके अंतर्गत आ जाएंगी और ब्लू इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है स्कीम के माध्यम से उससे निपटा जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, भारत ने ऊर्जा दक्षता के लिए यानी कि स्केलेबल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ, किस इंस्टीट्यूट के साथ? भारत ने विश्व बैंक के साथ किया है। विश्व बैंक के साथ यहाँ पर 300 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण समझौता हुआ है और यहाँ पर ऑगमेंट करेंगे उजाला स्कीम को बेसिकली, और उजाला स्कीम के साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी स्कीम्स हैं उसको बूस्ट करने का काम करेंगे। बेसिकली उजाला स्कीम को ही फोकस करने वाले हैं, उजाला स्कीम के ही दायरे को और बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। उजाला स्कीम के बारे में बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जनवरी 2015 लॉन्च डेट है। उजाला डैशबोर्ड हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था रात में। तब तक 30,79,55,633 LED का काउंट यहाँ पर दिखा रहा था। और जब स्कीम की शुरुआत हुई थी तो 3 साल में हमने लक्ष्य रखा था कि हम कम से कम 77 करोड़ LED बल्ब्स वितरित करेंगे और ऐसा करने से हमको 79 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिड्यूस कर सकेंगे और बिजली की बचत इतनी होगी 20,000 मेगावाट के करीब और 8,000 करोड़ रुपए यहाँ पर करीब बचाए जा सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम जो है उजाला के माध्यम से। जो उजाला का डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया ये LEDs का है, लेकिन एक अलग से डैशबोर्ड आता है फैंस का भी। 1200 वाट का जो फैंस डिस्ट्रीब्यूट करता है ESL, उसका भी एक अलग से डैशबोर्ड है और कुछ ट्यूबलाइट्स आती हैं एनर्जी एफिशिएंट उसका भी है। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छा ये स्कीम ने काम किया है, तो एक बार फिर से इसको और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ऋण समझौता किया है। हालांकि एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के अंतर्गत और भी छोटी बड़ी स्कीम्स आएंगी और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन मेन फोकस इसी पर रहने का वादा किया गया है। आप जानते हैं कि बचत लैंप योजना को उजाला ने रिप्लेस किया था। ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई आप ध्यान रख सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने 18वें एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया में चल रहे हैं यहाँ पर 3,000 मीटर स्टीपल चेज रेस में सिल्वर जीतने वाली सुधा सिंह को 30 लाख रुपए और एक एक ए ग्रेड की नौकरी गजटेड ऑफिसर की पोस्ट देने का वादा किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने वादा किया है। ट्विटर पर बताया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि वो देंगे 30 लाख रुपए इनको नगद और एक ए ग्रेड की नौकरी। सौरभ चौधरी को भी देने का इन्होंने वादा किया था जो मेरठ से थे, और सुधा रायबरेली से हैं, लगातार अपने स्टेट के एथलीट्स को ऐसी पुरस्कारों की घोषणा करते आ रहे हैं जब से एशियन गेम्स शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किस बैंक के करीब 15% स्टेक्स खरीदने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? IDBI बैंक के करीब 15% स्टेक्स खरीदने वाला है LIC, और इस पर सरकार ने मंजूरी दे दी थी अगस्त की शुरुआत में, और अब LIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी मंजूरी दे दी है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि LIC के स्टेक्स खरीदेगा, मतलब IDBI के स्टेक्स खरीदेगा LIC, और इससे जो IDBI पर संकट आया हुआ है उससे निपटने में मदद मिलेगी और IDBI सहयोग भी करने वाला है LIC को उसके प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अब बिम्स्टेक की 19वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ये बैठक 30 और 31 अगस्त को चलेगी और ये आयोजित की गई है नेपाल काठमांडू में, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। बिम्स्टेक के बारे में आप जानते हैं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हमारा होता है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक में कंट्रीज आती हैं साउथ एशियन, जैसे कि श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की कंट्रीज इसमें आती हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं किसके क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के क्षेत्र में। और ज़्यादातर मीटिंग इसकी काठमांडू में हुई है और इस बार वाली भी काठमांडू में हुई है। मीटिंग जो है ये 19वीं है, लेकिन आपको बता दें ये मिनिस्टीरियल मीटिंग 19वीं है, लेकिन आपसे अगर पूछे कि चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ तो इसका भी आंसर होगा काठमांडू। ये चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन है लेकिन ये मिनिस्टीरियल लेवल की 19वीं मीटिंग है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसमें भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए और कागज़ में छपने वाली क्षेत्रीय पत्रिकाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए गूगल ने किस इनिशिएटिव की, या फिर कह सकते हैं किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका नाम है नवलेखा। नवलेखा संस्कृत का वर्ड है यानी कि लिखने का नया तरीका। तो गूगल क्या करने वाला है कि भारत में जितने भी छपती हैं पत्रिकाएं वीकली मंथली जो क्षेत्रीय भाषाओं में छपती हैं उनको मौका देगा कि वो गूगल पर आकर अपना जो भी वर्क है, जो भी जर्नल है, जो भी पत्रिका है उसको ऑनलाइन छाप सकें। तो
तो इसके लिए क्या करेगा, गूगल नवलेखा नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। उसके माध्यम से अगर आप कोई पत्रिका छापते हैं वीकली मंथली वाली, चाहे वो किसी भाषा में हो, उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, एक वेब पेज पर उसको बना करके ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर वेब होस्टिंग को सरल बनाना होगा, सबसे पहले तो गूगल को अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइड करवानी होगी, तभी तो लोग अपनी जो पत्रिकाएं उसको वेब पर ला सकेंगे, क्योंकि मेन समस्या वेब होस्टिंग की होती है। और बाकी स्कैनर भी प्रोवाइड करेगा यहाँ पर नवलेखा, स्कैन करके अपनी पत्र पत्रिकाओं को वेब पेज पर अपलोड करने की सुविधा देगा ये। ये सब चीज़ें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और हाँ, ये जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं, आपको PDF में मिल जाएंगी। गूगल का उद्देश्य है कि 1,35,000 जो वर्नैकुलर जो पब्लिशर्स हैं, जो खाली ऑफलाइन छापते हैं कागज़ पर, उनको वेब पर लाना है, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि आखिरी आंकड़े जो आए हैं 29 तारीख को, इसमें नोटबंदी के दौरान कितने प्रतिशत नोट्स जो हैं RBI के पास वापस आए हैं। अभी आपको अगर याद हो कि 2018 में फेब में करीब RBI ने बताया था कि उनके पास 98% के करीब आए हैं, लेकिन अब बता रहे हैं कि RBI के पास आ चुके हैं 98.3% नोट्स। आखिरी गिनती में बताया गया है कि 98.3% नोट्स RBI ने काउंट किए हैं जो नोटबंदी के दौरान वापस आए हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। CHSL ने पूछा था कि कितने प्रतिशत आए हैं, तब हमको लगाना था 98, लेकिन जो अब अंतिम आंकड़े आए हैं उस हिसाब से अब आप लोग आंसर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए एक भारतीय एजेंसी और एक जो अमेरिकी एजेंसी है मलेरिया नो मोर, उससे समझौता किया है। तो अपने राज्य ओडिशा में, ओडिशा राज्य ने एक भारतीय एजेंसी जिसका नाम है मलेरिया एलिमिनेशन ट्रस्ट और एक अमेरिका की एजेंसी है मलेरिया नो मोर, इन दोनों के साथ समझौता किया है अवेयरनेस प्रोग्राम्स बेसिकली चलवाने के लिए अपने ओडिशा राज्य में, और मलेरिया से मुक्त करना चाहते हैं ओडिशा को। ओडिशा पर युद्ध स्तर पर मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ओडिशा की एक क्षेत्रीय स्कीम भी वहाँ पर चलती है, दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, जिसको शॉर्ट में इन्होंने दमन कहा है, ये स्कीम चल रही है। और इसके तहत मलेरिया के केसेस में काफ़ी कमी भी आई है इनके अनुसार, और WHO ने भी इस स्कीम को रिकॉग्नाइज किया था, इसको एक्नोलॉज किया था। ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस स्कीम के अलावा ओडिशा के राज्य ने इन दो एजेंसियों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिससे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकें ओडिशा में और मलेरिया को एलिमिनेट कर सकें। आप लोगों को कमेंट्स में ये लग करके बताइए कि भारत का टारगेट क्या है मलेरिया एलिमिनेशन का, भारत मलेरिया को कब तक ख़त्म कर देगा, बताइए कमेंट्स में लिखकर। आज आपका क्वेश्चन पहला। अब इम्पॉर्टेंट कैबिनेट डिसीजंस आप लोग देख लीजिए, 30 तारीख को यहाँ पर काफ़ी सारे डिसीजंस लिए थे कैबिनेट कमेटी ने, बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिए थे। यहाँ पर कुछ देशों के साथ समझौता हुआ है, आप उनको ध्यान रख सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच और उत्तरी आयरलैंड के बीच पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन में यहाँ पर समझौता हुआ है। किस देश के साथ समझौता हुआ है, किस क्षेत्र के लिए हुआ है, बस यही आपको ऐसे ही याद रखना होता है। मंत्रिमंडल ने रेल के क्षेत्र में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन की जानकारी दी है, तो भारत और दक्षिण कोरिया सहयोग करेंगे रेल के क्षेत्र में। मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में समझौता किया है बुल्गारिया के साथ, ठीक है, तो बुल्गारिया के क्षेत्र में पर्यटन, दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में रेल, और पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन के क्षेत्र में किससे, ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ, ठीक है। अब एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण समझौता किया गया है IPB के लिए, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए यहाँ पर, और इसका जो हमने बजट रखा था 800 करोड़, इसको 80% से बढ़ा करके अब 1,435 करोड़ रुपए कर दिया गया है संशोधन करके। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को काफ़ी हद तक प्रमोट करना चाहती है सरकार। आपको हमने शायद बताया था कुछ दिन पहले, अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं, कि 21 अगस्त को करीब 650 शाखाओं को लॉन्च करने वाले थे मोदी जी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया और कहा है कि हम इसे और भी बड़े स्तर पर प्रमोट करेंगे, और भी बड़े स्तर पर इसका शुभारंभ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो बजट बढ़ाया गया है, और कहा गया है कि जो हमने 635 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं 800 करोड़ से, जो 1,435 कर दिया है, तो इस 635 करोड़ रुपए में 400 करोड़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर खर्च करने हैं, और 235 करोड़ रुपए यहाँ पर मानव संसाधन में खर्च किए जाएंगे, यानी कि लोगों को रिक्रूट करने में। तो आप जानते हैं कि अगर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, IPB की शाखाएं खुलेंगी, वहां पर लोगों की ज़रूरत होगी, और प्लस यहां पर कुछ अभिगम इकाइयां भी खोलने वाले हैं 650 IPB शाखाओं के साथ। आप जानते हैं कि इसकी लॉन्च तो कर दी गई थी जनवरी 2017 में, लेकिन केवल अभी तक दो ही शाखाएँ IPB की ऑपरेशनल हैं, और
648 और लॉन्च होने वाली थी, तो अभी इसको थोड़ा सा डिले करके बाद के लिए कर दिया गया है। 648 शाखाएं आने के बाद आईपीबी की 650 शाखाएं हो जाएंगी भारत में, 3250 अभिगम यूनिट्स हो जाएंगी, और इन सभी यूनिट्स को करीब 1,55,000 जो हमारे पोस्ट ऑफिसेस हैं इंडिया में, इनसे लिंक किया जाएगा। और इसके तहत यहाँ पर 3500 के करीब बैंकिंग प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट होगी और डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स की हाइलाइट्स यही है, सबसे पहले तो स्वप्ना बर्मन ने ये हेप्थलॉन में यहाँ पर स्वर्ण जीता है, इनको बधाई दी गई थी। और दूसरी तरफ स्वर्ण जीता गया है मेंस ट्रिपल जंप में जीता है अरपिंदर सिंह ने। अभी मैं खाली गोल्ड का ही बता रहा हूँ आपको, गोल्ड वाले ही आपको ध्यान रखना है, बहुत रेयर केसेस में सिल्वर वाले पूछे जा सकते हैं, ब्रॉन्ज वाले कभी नहीं पूछे जाएंगे। जिन लोगों ने गोल्ड जीते हैं आप उनको अपने दिमाग में रखिएगा, बजरंग पुनिया से शुरुआत करके यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता। और बल्कि एशियन गेम्स का हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे अपने चैनल पर, इसमें पूरी तरह से समराइज़ करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ओनली करंट अफेयर्स चैनल को, रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, आप इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ यहीं से मिलेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आज का टारगेट हमने बता दिया आपको क्या है, 600 लाइक्स का, तो जो भी देख रहे हैं वो लाइक शेयर कर दीजिएगा इसको, जिससे जल्दी ही टारगेट पूरा हो जाए और आपको पीडीएफ मिल जाए। हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।